दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सराय कादर खां में ई ऑटो मेला का उद्घाटन किया। 7 दिवसीय ई ऑटो मेला का उद्घाटन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सराय कादर खां में किया गया। परिवहन मंत्री ने बताया कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे उतना ही ज्यादा प्रदूषण कम होगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है। कैलाश गहलोत ने कहा कि मेले में लोग ई ऑटो के विभिन्न मॉडलों की टेस्ट ड्राइव भी कर सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली किसी भी भारतीय शहर में चलने वाले ई ऑटो की सबसे बड़ी संख्या वाला शहर बन जाएगा। अगले 2 महीने में ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। उन्होंने कहा कि औपचारिक उद्घाटन के साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित ये मेला दिल्ली में 2 स्थानों IDTR सराय कादर खां और IDTR लोनी में शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि जो भी ड्राइवर ऑटो के लिए आवेदन करेगा उन्हें वाहनों की खरीद के समय 30,000 रुपए की एकमुश्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें बेहद सस्ती दरों पर ई वाहन खरीदने के लिए कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। 4,000 से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज के परमिट्स दिल्ली सरकार देना चाहती है, उसके लिए हमने अलग अलग ऑटो ड्राइवर से एप्लीकेशन इन्वाइट की है, जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरी एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया होगी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चालू है और काफ़ी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमारे पास 5,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं, ताकि ड्राइवर के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके मन में कोई डाउट या कोई शंका ना रहे, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली सड़कों पर दौड़ेंगे, तो ड्राइवर्स के मन में कोई डाउट या कोई सवाल ना रहे, इसलिए हमने इस ई ऑटो मेला का आयोजन किया, जो कि लगभग पूरे हफ्ते ये मेला चलेगा। तो इसमें जितनी भी कंपनीज मार्केट में हैं जो ई ऑटोज बना रही हैं उनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, उनके ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनके इंजीनियर्स यहाँ पे हैं, तो जो भी इच्छुक हैं इस पूरी स्कीम में भाग लेने के लिए वो यहाँ आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक ऑटोज चला सकते हैं। बता दें कि 31 अक्टूबर तक रोजाना चलने वाले इस मेले में विशेषज्ञ आवेदकों को ई ऑटो के लिए पंजीकरण कराने के तरीके के बारे में बताएंगे और उन्हें ई ऑटो बैटरी चार्जिंग, रख रखाव, सब्सिडी, ब्याज राहत आदि के बारे में जानकारी देंगे।